जो पूर्व दिशा से होके उदित अंधकार मिटाते हैं, अंधकार मिटाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो ज्योति स्वरूप है कैसे देवता रूप में आते हैं, देवता रूप में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण श्री सूर्य देव भगवान। पावन कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, देवता और असुर आपस में सदा संग्राम करते रहते थे, आपस में सहदेव लड़ाई किया करते थे। यहाँ तक कि उनके इस बार बार के संग्राम से देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी परेशान हो चुके थे। आखिर कोई उपाय सोचें तो क्या सोचें? देवता भी आपस में परामर्श कर रहे हैं और असुर भी परामर्श कर रहे हैं। दोनों की शक्तियां युद्ध कर करके क्षीण हो रही हैं, परंतु असुरों ने त्रिदेवों का तप कर करके उनसे अनेक अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली भक्तों। और एक दिन ऐसा घनघोर युद्ध किया देवताओं से कि उन्हें युद्ध में परास्त कर दिया, देवराज इंद्र को स्वर्ग विहीन कर दिया। जो देवी देवता बंदी बन सकते थे उन्हें बंदी बना लिया, बाकियों को मारकर स्वर्ग से भगा दिया। अब आगे क्या कथा है भक्तों, सूर्य देव नारायण के चरणों का ध्यान लगाते हुए आइए सुनते हैं। देव असुर भारी थे करते आपस में उत्पात, दोनों एक दूजे को देते युद्ध में भगतों मात। ओ तप करके घनघोर असुर ने भारी बल पाया, देवताओं को असुरों ने फिर युद्ध में हराया। स्वर्ग पे भी असुर अपना अधिकार जमाते हैं, वो अधिकार जमाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण श्री सूर्य देव भगवान। भक्तजनों, सभी देवता इंद्र के नेतृत्व में स्वर्ग से अधिकार विहीन होकर इधर उधर भटक रहे हैं। कभी भगवान शिव के पास जाते हैं तो कभी भगवान विष्णु के पास, श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर भी उनके हाथ केवल निराशा ही लगी। अब देवता क्या करते, अपनी माँ अदिति की शरण में पहुंचे। अदिति की शरण में आकर सभी देवता हाहाकार कर रहे हैं और अपनी माता से पुकार लगा रहे हैं, हे माँ हमें इन असुरों से बचाइए, हमें हमारा स्वर्ग वापस दिलवाइए। देवताओं की कातर प्रार्थना सुनकर माँ अदिति की आंखों में आंसू आ गए भक्तों। वो भी सोच रही हैं कि भला किस प्रकार से मैं अपने पुत्रों की सहायता करूं। टहलते टहलते महल के झरोखे पर आती है भक्तों, और सामने क्या देखती है कि भगवान सूर्य देव पूर्व दिशा से उदित हो रहे हैं। धीरे धीरे जगत में प्रकाश फैल रहा है, सृष्टि में ऊर्जा का संचार हो रहा है। उगते सूर्य को देखकर माँ अदिति के मन में अचानक एक विचार घर कर जाता है भक्तों, और वो विचार क्या है, भगवान आदित्य नारायण का नाम जपते जपते। मेरे साथ सुनिए आगे की पावन कथा।
दिशा से आते सूर्य को अदिति ने देखा। देखते ही माँ के मन में तो एक विचार कौंधा, क्यों ना सूर्य देव मेरी संतान बन जाए, करी प्रार्थना पुत्र रूप में गर्भ में आए। देवी देवता सुन सारे हैरत में आते हैं, सब हैरत में आते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उगते हुए भगवान सूर्य देव नारायण को देखकर माँ अदिति के मन में विचार कौंधा, क्यों ना ये शक्ति पुंज जो सारी सृष्टि में ऊर्जा भर रहा है, ये मेरा पुत्र बन जाए। यदि ये मेरा पुत्र बन जाएगा तो मैं इसे इन देवताओं का अधिपति बना दूंगी और इसके तेज के आगे समस्त असुर नष्ट हो जाएंगे। यह सोचकर माँ अदिति ने भगवान सूर्य देव नारायण का घनघोर तप प्रारंभ कर दिया भक्तों। यहाँ तक कि उनके पति महर्षि कश्यप ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तुम अपने गर्भ में सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाओगी, परंतु माँ अदिति थी कि उन्होंने तो मन में ठान लिया था कि यदि पुत्र होगा तो सूर्य ही होगा। घनघोर तप किया भक्तों और भगवान सूर्य देव को माँ अदिति को दर्शन देना ही पड़ा। आकर माँ से वरदान मांगने को कहते हैं तो माँ वरदान में वही मांगती है जिस प्रेरणा से उन्होंने तप किया था। बोली, हे भगवान सूर्य देव नारायण, यदि मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ में आ जाइए भगवन और मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए। सूर्य देव जानते थे यह कार्य असाध्य है पर असंभव नहीं, सो उन्होंने तथास्तु कह दिया भक्तों और माँ अदिति के गर्भ में आ गए। माँ अदिति के तप का बल इतना था कि पूरे एक वर्ष तक भगवान सूर्य देव को अपने गर्भ में रखा और उचित समय पर देदीप्यमान पुत्र के रूप में भगवान सूर्य ने माँ अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भक्तों, देवी देवता मिलकर जयकार लगा रहे हैं। देव से करी प्रार्थना गर्भ में आओ, आकर मेरे गर्भ मेरी संतान बन जाओ। अदिति माँ को वर दी और गर्भ में आए, एक वर्ष पश्चात पुत्र के रूप में जाए। सूर्य जन्म पे भक्तों सारे फिर हर्षाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवान सूर्य देव नारायण ने माँ अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। भक्तों, सभी देवी देवता मिलकर सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की जय जयकार कर रहे हैं। अपने तप के बल पर, अपने तेज के बल पर भगवान सूर्य देव नारायण जन्म लेते ही अपने वास्तविक आकार में आ गए। उन्होंने पूर्ण रूप से एक देवता का रूप धारण कर लिया। अब तक जो शक्ति पुंज के रूप में देखे जाते थे, पूजे जाते थे, वो अब साक्षात देवता स्वरूप सबके सन्मुख खड़े हैं। माँ अदिति ने उन्हें सभी देवताओं का
अधिपति बना दिया भक्तों और आज्ञा दी, हे पुत्र इन असुरों ने तुम्हारे भाइयों को सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से विहीन किया हुआ है। जाओ युद्ध भूमि में जाओ पुत्र, और अपने तेज का वो चमत्कार दिखाओ जिसे देखकर ये सारे असुर परास्त हो जाएं। श्री सूर्यदेव भगवान ने देवताओं की सेना तैयार की भक्तों, और अपने तीर धनुष तलवार लेकर युद्ध भूमि में असुरों से लड़ने हेतु चले गए। सारी सृष्टि अब हैरत से देख रही है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है। सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना आई, असुरों से फिर युद्ध का वो आह्वान लगवाई। देव असुर फिर एक दूजे के सन्मुख थे आए, तीर पतीर चलाए भक्तों भाले चमकाए। युद्ध भयंकर दोनों फिर लड़ने लग जाते हैं, लड़ने वो लग जाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण, करते सबका कल्याण श्री सूर्य देव भगवान। भगवान सूर्य देव के नेतृत्व में देव सेना ने ऐसा भयंकर युद्ध किया भक्तों के असुरों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो शक्तियां उन्होंने तप कर करके अर्जित की थी वो देवताओं के सन्मुख जाकर, भगवान सूर्य के सन्मुख जाकर उनके चरणों में प्रणाम करती और विलुप्त हो जाती। अब असुरों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो देवताओं को परास्त कर सके। सो सभी असुर घुटनों के बल बैठ गए भक्तों, और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से प्राण दान मांगने लगे। दयानिधि भगवान सूर्य देव नारायण ने सभी को क्षमा कर दिया, परंतु उससे पहले उन्होंने असुरों से स्वर्ग का अधिकार वापस ले लिया। इंद्रदेव को फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया, सभी देवी देवता जो कैद में थे उन्हें मुक्त कराया और उन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाया। फिर भगवान सूर्य देव नारायण माँ अदिति के सन्मुख पहुंचे और उन्हें वापस से तेज पुंज बन जाने की प्रार्थना करने लगे। माँ अदिति ने एक बार फिर भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे पुत्र तुम तेज पुंज तो बन जाओ, परंतु तुम्हारा ये देव स्वरूप भी सदा सदा मेरे पास रहे, मुझे ऐसा वरदान दो। भगवान सूर्य देव ने ऐसा ही किया भक्तों, तेज पुंज बनकर आज भी वो सौर मंडल में स्थित हैं, नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं, सारे ग्रह उनकी परिक्रमा लगाते हैं तथा उन्हीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और देवता के स्वरूप में भी भक्तजन भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं। तो आप भी यदि जीवन में समस्त सुख भोगना चाहते हैं और अंत में भगवान सूर्य के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर रविवार को भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे में अर्घ दीजिए, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाइए, गुड़ इत्यादि का भोग समर्पित कीजिए, फिर देखिए कैसे भगवान सूर्य देव आपके जीवन में सदा सदा खुशियों का प्रकाश भर देंगे। दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोलिए भगवान सूर्य देव नारायण की। सूर्य देव ने तेज को अपने ऐसा चमकाया,
असुरों की सेना को स्वर्ग से मार भगाया। आदित्य का नाम प्रभु मैया से पाए हैं, अदिति माँ के चरणों चंदन तिलक लगाए हैं। देवी देवता मिलकर के जयकार लगाते हैं, जय जयकार लगाते हैं। माँ अदिति पुत्र श्री सूर्य देव के गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सूर्य देव भगवान करते सबका कल्याण। ओ जग को देते हो उजियारा, तुमसे पोषित है जग सारा। सब सृष्टि महकाई, ओ हमने जीवन ऊर्जा पाई। धरा और वायु तुमसे, प्राण धरा पे जीवित तुमसे। कश्यप है माता अदिति, ओ इनसे हुए सब जन्म कीर्ति। और नक्षत्र ये सारे ओ तुमसे प्रकाशित है ये न्यारे। जो हम ना पाते ओ वृक्ष जीव और पशु कर हाते। रवि तुम रे के
वाले अश्व का रथ तुम्हें भाए ओ अरुण सारथी जिसको चलाए धन सुख को देने वाले ओ अजर अमर तुम करने वाले सुमिरता पा नहीं सकता कभी वो सफलता सबसे बड़ी है सूर्य की पूजा ओ सूर्य जैसा कोई देव न दूजा नाम तुम्हारे ओ रूप तुम्हारे जग से न्यारे जन जन में ऊर्जा को जगाते मस्तक पर भाता ओ कानन कुंडल रूप सुहाता मंदिर ओ अंगारे का धाम है सुंदर चढ़े
अक्षत फल मेवा। ओ भगत करे मिल कर सब सेवा, जबला गे है मेला। ओ भक्तों को लगता अलबेला, चढ़ावे मन चाह फल सूर्य से पावे। मुक्ति पाए निर्मल होता मन पावन, सूर्य देव का करो वंदन। ओ नमस्कार जो सूर्य को करता, उसका सोया भाग्य सवरता। से पालो सुख की मेवा, बदलेंगे पल में जीवन, सूर्य देव का करो वंदन। का संकट जिसने टाला, शरण में आओ मंगलकारी इनकी शरण, सूर्य देव का करो वंदन। ओ सूर्य आरती जो भी करता, ओ उनका बिगड़ा काज सवरता।
की कृपा पालो। करता है सुख करता सारे जग को जीता। ओ, इनकी दया ने दुनिया तारी। झोलियां भर लो सब सुख पालो। जय जय तिहारी।